नमस्ते। आज हम सावधानी एवं निश्चय पूर्वक ऊपरी शरीर के जोड़ों को व्यायाम देने का प्रयास करेंगे। इन छोटे जोड़ों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह सरल और नाजुक गतिविधियां ऊपरी शरीर में परिसंचरण को बढ़ावा देती हैं और जकड़न को कम करने में मदद करती हैं। हाथ, भुजाएं और कंधों की मांसपेशियों को तनाव मुक्त करना सभी के लिए लाभकारी है। यह छोटा क्रम न केवल उन लोगों के लिए अद्भुत तरीके से काम करता है जो जोड़ों की समस्या से बचना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी लाभकारक है जो गठिया, आर्थराइटिस अथवा कार्पल टनल सिंड्रोम से राहत पाना चाहते हैं। इन सरल गतिविधियों को यदि प्रतिदिन किया जाए तो यह आपके कार्य क्षेत्र पर भी क्षमता एवं योग्यता बढ़ाने में सहायक बन सकती है। हम जोड़ों की ऊर्जा को मुक्त करने और इसे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने के लिए सूक्ष्म लयबद्ध गतियों के अनुक्रम का प्रयोग करेंगे जो जोड़ों में संकुचित ऊर्जा को सुरक्षित रूप से मुक्त करने में सहायक होगी। अपने ऊपरी शरीर के इन छोटे जोड़ों का महत्व समझते हुए उन पर आवश्यक ध्यान दें। इन प्रवाहशील गतियों से अपने दिन को भर दें जो आपके जोड़ों को चिकनाई देने में एवं आपके शरीर की समग्र गतिशीलता और परिसंचरण को बढ़ाने में सहायक होगा। आइए हम गर्दन की गतियों से शुरू करते हैं। पहले ऊपर देखें और नीचे देखें, थोड़ी को छाती तक ले आएं। फिर सांस के साथ साथ एक तरफ से दूसरी तरफ देखें। इसे 10 बार दोहराएं। आइए अब हम कोहनियों को तैयार करें। कंधों पर हाथ रखें और हाथों को अपने आगे फैलाएं। सामने और पीछे की तरफ गति बनाते हुए कोहनियों को गतिशील बनाने के लिए कुछ और बार दोहराएं। सुनिश्चित करें कि जब हाथ अंदर की ओर खींचें तो सांस अंदर लें और जब हाथ विस्तारित हो तो सांस बाहर छोड़ें। इसे लगभग 7 से 10 बार दोहराएं। अब हम कलाइयों पर काम करेंगे। अपने हाथों को सामने विस्तारित करें और फिर कलाइयों को नीचे और ऊपर की ओर हिलाना शुरू करें। इसे करते हुए हाथों को सीधा और सशक्त रखें। कलाइयों को ऊपर करें तब सांस भरें और नीचे करते हुए सांस छोड़ें। अब हम कलाइयों को गोल घुमाएंगे। उंगलियों को मुट्ठी में कसकर कलाइयों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। फिर विपरीत दिशा में घुमाते हुए अपने बाहों की शक्ति को महसूस करें। इन गतियों को सांसों के साथ संयोजित करें। अब हम अपनी उंगलियों को फैलाएंगे। सांस अंदर लें, सभी 10 उंगलियों को फैलाएं और सांस बाहर छोड़ें और उन्हें मुट्ठी में कसें। इसे 7 से 10 बार दोहराएं। अब फिर से हाथ को कंधों पर लाएं और कंधों को घुमाना शुरू करें। जब कोहनियों को आगे लाएं तब सांस लें और कोहनियों को पीछे ले जाएं तब सांस छोड़ें। इसे लगभग 7 से 10 बार दोहराएं। अब अपनी चटाई पर टेबल टॉप स्थिति में आएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें और सांस अंदर लें और आगे झुकें और कलाइयों पर हल्का दबाव डालें। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं। इसे 10 बार दोहराएं। अब हथेलियों को उल्टा करते हुए उंगलियों को पीछे की ओर करें और चटाई पर हल्के से रखें। फिर से धीरे धीरे आगे झुकें और सांस अंदर लें और पीछे जाते हुए सांस बाहर छोड़ें। शरीर का ये भाग शिथिल होने के कारण बहुत ही सौम्यता से एवं कम गति के साथ इसे करें। कम से कम 10 बार दोहराएं। अब पुनः सुखासन की स्थिति में लौट आएं। दाएं हाथ को
बाएं हाथ के ऊपर गरुड़ भुजा में लपेट लें। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। इसे 10 बार करें और दूसरी ओर भी दोहराएं। हाथों को खोलें और अब हृदय के स्तर पर लाकर उंगलियां आपस में मिलाएं। हथेलियों को आमने सामने रखें। अब हाथों को नीचे से बाहर घुमाएं और भुजाओं को फिर से सीधा करें। हाथों को वापस अंदर लाकर उन्हें हृदय के स्तर पर ले आएं। इन गतियों को सांसों के साथ संयोजित करें और इसे 10 बार दोहराएं। दोनों हाथों को बाहर की ओर फैलाएं और कोहनियों को मोड़ दें। जितना हो सके उतना कोहनियों को शरीर के पीछे ले आएं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं। इसे 10 बार दोहराएं। अंत में सांस अंदर लें और उंगलियों को आपस में मिलाएं। बाहों को ऊपर उठाएं, ऊपर देखें और 5 की गिनती तक पकड़े रखें। हाथों को मिलाकर रखते हुए एक तरफ झुक जाएं, जिससे साइड का शरीर खुल जाए, और फिर दूसरी तरफ झुकें। अंत में सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। यह उपचारात्मक अनुक्रम आत्मनिरीक्षण और स्वयं की देखभाल करने का सबसे अच्छा क्षण है। इसके नियमित अभ्यास से आप सूजन में कमी, ऊपरी शरीर की गतिशीलता में वृद्धि और लचीलेपन में सुधार देखेंगे। इस अनुक्रम को बुकमार्क करें और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।